तो अभी हम रेडी हो रहे हैं और कॉलेज जाने के लिए, सो आई पुट दिस शर्ट ऑन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट योर डेली सप्लीमेंट्स, मतलब वो वेगर्स वगैरह सब एकदम बढ़िया रहने चाहिए। फर्क नहीं पड़ता अगर आप लेट हो रहे हो, सप्लीमेंट्स सर। तो चलो हम ऑल सेट टू गो, और मेन कैमरे में हर टाइम व्लॉग नहीं कर सकता कि वो काफ़ी बड़ा था। और सो आई गॉट दिस फोन, कैसी गॉड, चोरी नहीं किया मतलब, सिर्फ चाहिए रहती है ना तब नहीं आई हुए टाइम पे। सुबह का ही नाटक रहता है, काफ़ी ट्रैफिक होता है, मतलब पूरी इतनी लेन्स है लेकिन वो वाली लेन खाली पड़ी रहती क्योंकि उधर दिल्ली कोई जाता नहीं था। चल तू कब तक आएगी? तो हम कॉलेज आ चुके हैं और अभी मेरे को कार्तिक का फोन आता है, वो कहता है 5 बजे के बाद तो गार्ड बोलेगा कि कॉलेज ख़त्म हो गया, तो एंट्री का थोड़ा सीन हो सकता है, पर देखते हैं क्या होता है। मेरे ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स पार्टी करने गए बाहर, मैं तो डेडिकेटेड हूँ अपनी गोल्स और स्टडीज को लेके। फॉर यू, ये क्या तमीज हुई अप्रिसिएशन तो, देने की? अरे तो गुड फॉर यू नहीं बोलूंगी और क्या बोलूंगी। ये तो यूट्यूब पे आ सकती है, अभी अगर मुझे तू पसंद नहीं आई ना तो मैं काट दूंगा तुझे। इसे हम सैंडी कहते हैं, पूरे बना रहे डेली लाइफ के। हाँ मतलब बट मेन उसका वही रहेगा, मेन हमारा। हाँ ये क्योंकि और कोई आया नहीं तो बंद थोड़ी होगा भाई वो, ये तो कभी बंद नहीं होता, इसमें तो कभी भी आ जाते रात को है, तो बोल दूंगा जिम की। तो इतना थोड़ी पूछते हैं गार्ड या पूछते हैं? मेरी 5 बजे की ख़त्म होगी क्लास, SDF का लैब है तो लैब मेरा 2 घंटे चलेगा। भाई आवाज़ नहीं आ रही भाई, ढंग से बोल, महंगा फ़ोन ले एक तो। ये भी गॉट मील नंबर 2, पालक एंड राइस, और इसको ख़त्म करके देखते हैं क्या करें, क्योंकि क्लासेस का मेरा आइडिया नहीं है क्या क्या लेनी है क्या नहीं। सो इसके बाद चलते ही है ऑलमोस्ट। मेरे पास एक गुड न्यूज़ आई है, मेरी ब्रांच जो है वो JEE बेस में जो रहता है ना वो अपग्रेड हो गई है। मेरे पास आधा घंटा और है, आधा घंटा नहीं ऑलमोस्ट 15 मिनट और है, उसके बाद टू सी कार्तिक एंड देन विल हिट द जिम। इससे फुटेज वुटेज बढ़िया आने के लिए तो ऑब्वियसली हम चेस करेंगे, पुश एकदम पुश पम्प बढ़िया आएगा, और इसको और एक्सेसरीज थोड़ी बहुत कर लेंगे तो लेट्स सी। सो अभी मैं था के हॉस्टल रूम में हूँ और उसने वो भी उसी कॉलेज में, सो उसने मुझे बोला है कि कुछ सामान वगैरह लाना है, तो वे का ट्रिमर वगैरह कुछ बोला है, और ये पैकेट में उसके कपड़े वपड़े भी कुछ लेके। मैं इतना अच्छा फ्रेंड हूँ ना, मेरे जैसे लोग क्यों नहीं मिलते लोगों को, मतलब मुझे भी खा लिया गया है, और इसके बाद हम निकलने। और अभी कार्तिक से मैंने, वो कह रहा था लाइब्रेरी में बैठा है, मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ फिलहाल, तो आई डोंट नो कि ये खुलेगा नहीं खुलेगा। मैं ना बेसमेंट से ही आया हूँ लेकिन मैं सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ गया। ये कौन है भैया, पढ़ाई कर रहे हो? नो वे, पढ़ेंगे भाई पढ़ेंगे। तूने बोला बेसमेंट में कोई लाइब्रेरी है और बेसमेंट में कोई लाइब्रेरी है, मैं ऊपर से आया हूँ। मुझे ना झूठ बोलता है बंदा भाई, बेसमेंट मैंने बोलता कि बेसमेंट में बैठ के मैं लाइब्रेरी से, तो ये भाई बेसमेंट में नहीं है। मैकबुक लेके लाइब्रेरी में बस बैठा रहता और ये कहता पढ़ाई कर रहा है, और इसने पेपर भी नहीं दिया था, कर रहा है अभी भाई पढ़ाई फुल फुल पावर। भाई पढ़ो अभी 2 घंटे अपने पास। भाई मील लूंगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। व्हाट यू मैंने खा लिया, बस घर जाके चिकन और वे खाता है, और फिर उसके बाद इसकी मील से भाई कॉल ही नहीं लग रही, वो मैक के अलग चोच ले रहते हैं ना। भाई अब तो भाई फोन से कर ले भाई, चेस्ट डूड एकदम क्वालिटी में एकदम जम दिख रहा होगा, क्योंकि वीडियो क्वालिटी भी आपको एकदम बढ़िया दिख रही हो, क्योंकि इस बंदे की देन है जो भी है आईफोन का। तो फिर मैंने कहा 5 मिनट तो ज़्यादा ही हो जाएगा, तो मैं वेट किया, मैंने मतलब आधे घंटे। ओके मैं बाहर निकला। हाँ तो सर से अच्छी जान पहचान थी, तो सर बाहर ही खड़े थे, सर ने कहा इधर आओ इधर आओ, मैंने कहा यस सर, कह रहे हो गया, मैंने कहा हाँ सर हो गया, कह रहे कोड रन हुए तुम्हारे दोनों,
बस लिख के आ गया। ये बंदा सॉस की पूरी फैक्ट्री खा लेता है, मतलब ये जब भी लंच लाता है ना स्कूल वूल में भी, ये पूरी सॉस की अलग से डिब्बी लाता था, ये सॉस का एडिक्ट है। और ये बंदा इसे फ्रेंच टोस्ट कहता है भाई, इसे ऑमलेट और ब्रेड कहते हैं। क्या क्या कर रहा है भाई ये, तो वीडियो देखो हमारी कैसे बनता है। तुमने बनाना नहीं सीखा। टेस्ट भी टॉप है इतना, इसको तब भी अच्छी नहीं लग रही। भाई हंस दे यार, कोई हंसता ही नहीं जो। तो अभी हमने प्री वर्कआउट में सोचा था कॉफ़ी के पैक्स लेके उसे ड्राई स्कूप करेंगे फिर कूल बन जाता, लेकिन वो नहीं था, और फिर मैं लाना भी मुझे लगा इधर मिल जाएगा, तो हम अभी यही कर रहे हैं। भाई मेरा मत पी यार। पहले एक था भाई, ये कैंपस ऐसी है, यहाँ पे ये होता है बस। सोनार लगी है ना हूर परी वाली त्वचा मेरी, मेरी बीवी भी काम करती है। व्लॉग में गार्ड को ले ले, फन हो जाएगा। ये जेएनटी वाले छुट्टी नहीं देते, बुला रखा यार मेरी बीवी ने मुझे बुला रखा है। कोई बात नहीं, मेरी पास तो सैलरी काट दो, लेकिन छुट्टी नहीं दे रहे। भाई क्या कर रहे हो तुम? भाई बेस्ट नहीं लग रहा था। भाई कॉलेज का टॉयलेट है, घर का भी नहीं है। तो वहां पे कोई टीचर है और हमें पता भी नहीं था, और हमें अभी पता चला। ये एक भाई हरकत है, जल्दी करो ये। अच्छा उन्होंने लगाया कि सारे लोग ना करते, ये भी खुद ही करना पड़ता है। टाइम क्या हो रहा है? टाइम तो बुरा चल रहा है, 5 ही हो रहा होगा यार। नहीं अभी अच्छा चलेगा, क्योंकि वीक हो चुकी है। इस बंदे ने मेरा नाम, इसने अपना लिखा, फिर इसने मेरा नाम अपना लिख दिया डैडी। डैडी मतलब वो बात ठीक है, बट ऐसे बता दिया करना, ऐसे कोई आके चेक वेक करेगा तो। तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा बिग्रामी जब ऑफ सीजन में होता है तो उसे क्या कहते हैं? बिग्रामी कहते हैं। अब जब वो स्टेज पे होता है तो फिर उसे क्या कहेंगे? बिगर रैन। अच्छा जब वो जीत जाता है ओलंपिया फिर क्या कहते हैं? चैंपियन रैन। क्या भाई? भाई बिगेस्ट ड्रामी। Show me.
बॉयज आओ वर्कआउट वर्कआउट फुल फन उसको जो हुआ था हाँ तो हम इंक्लाइन डंबल कर रहे थे हम 35 से रेप्स दे रहे थे तो वो रखा हुआ था तो जो यहाँ के इंस्ट्रक्टर थे ना वो है और इसे कहने लगे कि इतना हैवी वेट कौन मारा मुझे लगा अलाउड नहीं हुआ डंबल ऐसे रखने के तो उसके बाद वो कहते कि कौन मार रहा है मैंने कहा हम मार रहे हैं फिर उसके बाद वो कह रहे कि अच्छा कौन से ईयर के हो फर्स्ट अच्छा तो फिर वो एकदम ऐसे कौन सा मोमेंट होता है वो क्रेजी क्रेजी स्ट्रिक मोमेंट हाँ फर्स्ट ईयर की हो तो फर्स्ट ईयर की हो फर्स्ट ईयर की हो मुझे तो भाई गेट पे पीएचडी वाले बोल रहे थे हाँ मैंने पीएचडी का नहीं हूँ मेरी दाढ़ी है बस मुझे तो बोल दिया भाई बच्चे हैं क्या तुम्हारे ये दो बच्चे का माफ लगता है कलीगेट मार रहा हूँ गाइस मैं यूट्यूब कितने हो रही है इधर नहीं हो सकता ऐसे भाई बहुत भी नहीं तो शेक कर रहा था ना इधर खड़े हो गया अकेले बहुत कम प्रोटीन के लिए अब ओके यस आई कैन डू इट ब्रो अब इसमें कैसे कर रहे हम अब प्रोटीन है तो प्रोटीन तो चाहिए ना ब्रो आगे मत लो बन गया अरे पता नहीं बहुत ग्रोस आउट क्यों हो रहा है अभी ये सोचा पानी इसमें इतना रखते हम और फिर पाउडर को डायरेक्ट पैकेट से डालते तो वो बेटर नहीं होता अभी तो वही हुआ हमने उसमें शेक क्यों करा इसमें शेक कर लेते डायरेक्ट वो तो मैं कह रहा था इसमें डाल लेकिन इनको दिक्कत थी इनको हाइजीन का था आखिरी में भी हमने 9 नवंबर में आई कांट भाई मिल गया यार कितना करेगा सो आई एम शेकिंग दिस बट इट डिडंट एक्सप्लोड चक 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 चल चक चक क्या हम भी है भाई भी नो चकिंग भाई तूने मेरी पूरी बॉटल गंदी कर दी है तूने अपना शेकर क्यों मंगाया था मुझे एक बार तो देख दो रखे थे तू गंदा वाला लिया है साफ वाला खोल के देखो कौन सा साफ है भाई मिल जाती है भाई जब ऐसे मैंने खोला ना इसका इसने जब खोला शेक अच्छा इसके लिए कोई चेरी वेरी नहीं होता ओके गाइस गुड पंप बाय 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 अंधेरा देख रहे हो भाई यार अब ऐसे